हम लोग एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि हम जब शराब की दुकान पे जाएं तो हम या कोई भी हम ये ना महसूस करें कि हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, हम चोर है, हम पैसे भी दे रहे हैं और चोर वाली फीलिंग अपमानित होके आए, ये अच्छी बात नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो खासकर ये पढ़े लिखे लोग जो अफसर हैं, इन लोगों को इसकी दिशा में पहल करनी चाहिए। दरअसल होता ही यशवंत भाई, आदमी शराब के ठेके पे जाता ना, वहां बहस नहीं करता, 10-20 रुपए को इग्नोर कर जाता है, नहीं चलो दे दो, दे करके निकलो यहाँ से फटाफट। लेकिन ये गलत है, आप 10-20 रुपए करके आप कितना बना रहे हैं पर डे, ये देखा जाना चाहिए। हमारे साथ अंकित माथुर जी हैं गुड़गांव में, आप टेक्नोक्रेट हैं, पहले जर्नलिस्ट रहे हैं, शराब के मामलों को लेके आपका एक विजन है, आप जो शराबी हैं उनके पक्ष को प्रमुखता से रखते हैं। अनिल सिंह जी हैं लखनऊ से, जर्नलिस्ट हैं वरिष्ठ। लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी हैं जो कि मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं भारत समाचार चैनल से। प्रवीण सहनी जी हैं जो राजनीति नामक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। दिवाकर जी हैं जो नोएडा में एंटरप्रेन्योर हैं। तो हम लोग बातचीत अंकित माथुर जी आपसे शुरू करते हैं कि जो प्रिंट रेट से जाता का मामला जो हम लोगों ने अभी खुलासा किया है कि नोएडा में आबकारी अफकरों के संरक्षण में जो चल रहा है महा उगाही महा लूट का खेल, वो क्या देश के और हिस्सों में भी होता है या सिर्फ नोएडा में ही हम लोग देख रहे हैं, गुड़गांव में भी ऐसा होता है, और क्या है इसका रास्ता, मतलब जो पैसे दे के जाता है खरीदने उसके साथ कितने अपमानजनक व्यवहार किया जाता है, ओवर रेट किया जाता है, नकली शराब बेची जाती है उसको, ऐसा कस्टमर मतलब ऐसा ग्राहक जो है हम लोगों ने बना दिया है उसको कि वो सर्वाधिक पैसे देता है, रेवेन्यू देता है, सर्वाधिक अपमान झेलता है, इसमें क्या नजरिया है आपका? जी यशवंत भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने स्टिंग ऑपरेशन करके जो है बहुत ही अच्छा एक काम शुरू किया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस पर्टिकुलर तबके को जो है हमेशा से जो है कि विडंबना है कि हम माना जाता है कि एक्साइज जो है ड्यूटी और जो रेवेन्यू है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो लिकर या अल्कोहल की सेल से होता है, चाहे वो कहीं की भी सरकार हो, बट अगेन इस मुद्दे को उठाता नहीं है कोई, और कोई जो है व्यक्ति इस विषय में बोलना भी नहीं चाहता है, भले कितना भी अपमान उसको सहना पड़े शराब के ठेके पर एक मामूली से कर्मचारी के द्वारा, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसको समाज में एक भेद दृष्टि से देखा जाता है, इस वजह से वो कभी भी अपनी आवाज उठा नहीं पाता, वो शिकायत भी नहीं कर पाता, और ये एक लॉबी इतनी ज्यादा स्ट्रांग लॉबी है कि मान लीजिए आप थोड़ा सा मुखर होकर के अपनी आवाज उठाने की कोशिश भी करें तो आपको तमाम धमकियां तमाम तरीके के जो है प्रताड़ना इन सब चीजों का जो है सामना करना ये बिल्कुल निश्चित है। ये तो मैं आपको आपकी जो है एक क्या बोलते हैं कि आपके साहस को मैं एक बार दोबारा से सलाम करता हूँ कि आपने इतने जो है गंभीर विषय को जो है उठाया और उसके जो है कुछ सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले, जैसे कि वो ठेका जो आप बता रहे थे नोएडा का वो सील भी हो गया है। लेकिन वो नोएडा में जो अंग्रेजी शराब की दुकान है वो तो सील हुई है, लेकिन अगल बगल जो उसी शायद मालिक का होगा ठेकेदार का होगा जो देसी और बियर की दुकानें हैं वहां पे अभी भी प्रिंट रेट्स पे ज्यादा से बिक्री हो रही है। मेरा सवाल एक और है कि क्या इस पे किसी अफसर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो बीट इंस्पेक्टर हो जो भी मतलब एक आबकारी विभाग में भी इलाके तय होते हैं, किसी आप सिपाही तक का सस्पेंशन नहीं कर सकते हो आप? हाँ, तो आप ये मान के चलिए कि बिना इसका जो है बिना आधिकारिक रूप से संरक्षण के मैं नहीं मानता कि इन कर्मचारियों के या इन ठेकेदारों की इतनी जो है हिम्मत हो सकती है कि ये लोग अपनी स्तर पर जो है ये ओवर चार्जिंग या ओवर रेट का काम करना शुरू कर दें। बिल्कुल मैं तो यकीनन मानता हूँ कि अधिकारियों के संज्ञान में रहता है सब कुछ जो भी होता है, और होना हो कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें से कुछ हिस्सा जो है शायद वो इन अधिकारियों की जेबों तक भी पहुंचता हो, तो ये ओवर रेट और ये ओवर चार्जिंग का जो ये खेल है ये बिना अधिकारियों के संज्ञान के मैं तो नहीं मानता कि ये हो सकता है संभव। और ये बात सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है, आप गुड़गांव में देखिए, गुड़गांव में DLF 5 का मैं बताता हूँ आपको और सेक्टर 52 का मैं बताता हूँ, वहाँ पे लोग जो है आप 250 रुपए 300 रुपए 500 रुपए ज्यादा दे करके जो है वो स्कॉच या बियर वगैरह जो है वो खरीद रहे हैं। तो ये तो ओवर रेट और ओवर चार्जिंग की समस्या जो है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है बल्कि दक्षिण में भी है, क्योंकि मेरे जो है यात्रा जो है दक्षिण में भी काफी रहती है, तो मैं अभी कुछ दिन पहले कोयम्बटूर था लॉकडाउन से थोड़ा सा पहले, जबकि सामान्य स्थिति थी, लॉकडाउन ना होते हुए भी वहां पर जो है MRP से ज्यादा जो है अमाउंट चार्ज किया जा रहा था, तो इसका कोई रेमेडी नहीं है, कहीं पे आप आवाज नहीं उठा सकते हैं,
एक आम नागरिक के रूप में कोई ऐसा वो नहीं है कि जहां पे आप जो है आपको कोई रेमेडी मिल सके। जी प्रवीण सानी जी, आपका जो चैनल है यूट्यूब जो है राजनीति पे, उस पे एक ऑडियो आपने चलाया था जिसमें आबकारी विभाग में विशेष सचिव रहे आईपी पांडे अपने ट्रांस के लोग उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 1.25 करोड़ की डील कर रहे हैं, वो दलाल अरेस्ट हो गया और पांडे जी अटैच हो गए। ये पूरा खेल क्या है? मतलब ये जो भ्रष्ट अफसर हैं, इनके बारे में मुख्य धारा की मीडिया आबकारी विभाग के बारे में कुछ खबर वबर दिखाती नहीं है। आप जैसे चैनल हैं यूट्यूब के जो कि साहस के साथ इस तरह के नेक्सस का खुलासा करते हैं, आपका क्या इस पे ओपिनियन है, क्या सोचते हैं आप? यशवंत भाई, पहले तो शुक्रिया आपका जोड़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मेरे को पहले से सूचना थी कि ऐसा खेल चल रहे हैं, कई दलाल जो हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर खेल कर रहे हैं और अधिकारियों से पैसे लेकर नीचे लेवल से सेटिंग कर सीएम आवास के लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं ऑफिस में जिनसे सेटिंग कर मिलवा कर क्या कहते हैं और पैसा ऐंठ रहे हैं, तो इसकी अब मैं छानबीन कर रहा था तो इसी बीच मेरे को एक ऑडियो मिली और जब मैं सुनी उसे तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। और जो मेरी बात थी कि मैं सोच रहा था कि ऐसा खेल चल रहा है, उस खेल को उस ऑडियो ने प्रूव कर दिया। अब मुझे उसमें जांच करनी थी कि भाई क्या इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि ऑडियो में कहीं भी उस आईएएस का नाम नहीं आ रहा था और कुछ भी नहीं था। फिर मैंने एक एक कड़ी जोड़ी, कमलेश कौन है, कमलेश कैसे रिश्तेदार है आईपी पांडे का। उसके बाद जब मेरे को सब पुख्ता हो गया तो मैंने उस खबर को चलाया। लोगों ने मुझे मना भी करा कि मुकदमा दर्ज हो जाएगा पत्रकारों के ऊपर, यूपी में बहुत मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कोई तो सबूत नहीं है ये वो। मैंने कहा नहीं, चलाना है, ये एक्सपोज जरूर करना है इन लोगों को। फिर जब चला दिया उसके बाद ये वायरल होने लगी ऑडियो। जब भी कई सीनियर जर्नलिस्ट जो अपने मित्र हैं वो लोग सवाल उठाने लगे, जर्नलिस्ट तो पता ही है आपको, हम एक दूसरे पे सवाल उठाते हैं कि आप नाम क्यों नहीं बता रहे आईएएस का। मैंने कहा ये जांच का विषय है, जब एसटीएफ जांच करेगी, अगर मैं वो बताए ना, मुझे तो पता है ना, और मुझसे एसटीएफ पूछेगी तो मैं उनका नाम बता दूंगा कौन है और डील भी बता दूंगा पूरी। बहरहाल एसटीएफ के फोन आए जांच के लिए, मैंने बताया कि ऐसे ऐसे आईपी पांडे हैं जो आबकारी में हैं, उन्होंने 1.25 करोड़ रुपए में वीसी बनने के लिए केडीए के 1.5 करोड़ रुपए की डील हुई थी इन लोगों की, 15 लाख रुपए दे दिए थे, और जांच में एसटीएफ को भी वही मिला। मगर बहुत चीजें ऐसी हैं जो उनके पास और भी थी, और लोगों से भी डील की बातचीत, वो सब अभी सामने नहीं आई है। नहीं आई है। और दूसरी बात ये कि भाई आईपी पांडे को सिर्फ अटैच किया गया है, ठीक है, क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, क्यों नहीं एफआईआर में उनका नाम डाला गया, ठीक है, दोषी दोनों हैं, देने वाला भी और लेने वाला भी। तो इस खेल, ये पूरा खेल ऐसे था, और आबकारी में बड़ी मछलियां बच गई अब इस बार भी जो है। बड़ी यशवंत भाई, आईएएस आईपीएस पे कभी कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि हर अधिकारी एक दूसरे को बचाता है कि उन्हें भी पता है कि हमारे भी क्या अंदर के सबूत हैं, किसी के पास आ गए तो हमारे भी कोई आगे साथ दे चुके। पूरे देश को ये आईएएस आईपीएस ही चलाते हैं, कैसे अनिल घुमाना भाई, है। अनिल भाई लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनिल भाई, बड़ी मछलियां बच जाती हैं, आबकारी विभाग की बड़ी मछलियां तो कभी चर्चा में भी नहीं आती हैं। बताइए, नोएडा जैसी जगह में एक दुकान पे करोड़ों की उगाही अवैध होती है, खरबों का कारोबार डेली होता है, और कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा, कहीं किसी के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, आपने एक सील करने का नाटक किया। क्या इसके लिए जिला आबकारी अधिकारी जो है, या जो भी बीट इंस्पेक्टर है, या जो भी मतलब मंडल का अधिकारी है, किसी एक को जिम्मेदार तो मानना चाहिए कि इतनी उगाही के पैसे जाचे कहाँ जाता कहाँ है? आप लखनऊ से हैं, आप विभाग पत्रकार हैं, आप इस पे बताएं क्या खेल है। ये पैसा ऊपर तक पहुंचता है, ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचता है, ऐसा नहीं है कि वहां कर रहे हैं और यहाँ के अधिकारियों को पता नहीं होता। और जो यहाँ की शराब सिंडिकेट है वो बहुत मजबूत है। आप पोंटी चड्ढा का एकाधिकार है इस शराब सिंडिकेट पे उत्तर प्रदेश के, और खासकर पश्चिम में जहाँ नोएडा की बात कर रहे हैं, वो पूरा इलाका उसके उसमें है। थोक की दुकानें और फुटकर दुकानें सब पे पोंटी चड्ढा का ही वर्चस्व है, उनके लोग या उनके सिंडिकेट के लोग चला रहे हैं। और ओवर रेटिंग की समस्या, मतलब ये जो शिकायत है 2003 से चली आ रही है, मतलब अभी रिसेंटली नया नहीं है, और लगातार शिकायत होती है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती। कारण क्या है कि ऊपर से लेके नीचे तक के लोगों को पैसा पहुंचता है, और सिंडिकेट इतना मजबूत है कि पैसे खर्च के अपने हिसाब के अधिकारियों को रखता है। वो पैसा जो आता है वो ऊपर के
अब अधिकारी इवन पुराने मंत्रियों तक को बढ़ता था, जो पुराने सरकारों में मंत्री रहे हैं वो खुलेआम होता था। चीनी मिल इसी बेच दी गई आबकारी चलाने के लिए, और अभी जो प्रमुख सचिव संजय भूस रेड्डी हैं वो ईमानदार माने जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि कंबलों की घी पीने वाले लोग हैं ये। मतलब ऊपर अधिकारी ईमानदार बने रहते हैं, लेकिन अभी जो खोला गया सिंडिकेट, ये शराब सिंडिकेट के दबाव में खोला गया इतनी जल्दी, जो इससे अर्थव्यवस्था सरकार की इतनी नहीं गड़बड़ हो रही थी कि मैं सही बताऊं, मैं शराब पीता हूं और मैं एलानिया पीता हूं इसको, लेकिन मैं सही कह रहा था कि लॉकडाउन में जो शराब बंदी थी, अगर ये योगी जी जिस तरह के विचारधारा के हैं कि भाई शराब वराब जो है ये सब ठीक नहीं है समाज के लिए, अगर ये कम्प्लीटली बंद कर देते बिहार की तरह, मैं ज्यादा बड़ा अच्छा स्टेप मानता, क्योंकि गाँव में शराब एक बहुत बड़ा रोग है, घर घर में मतलब लोग परेशान होते हैं, चूंकि हम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, हम लोग हैंडल कर लेते हैं चीजों को, समझ लेते हैं कि मदिरा कितनी पिए कितनी ना पिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी जो चाल चरित्र चेहरा की बात करती है, योगी जी जो कि साधु हैं, संत बताते हैं अपने आप को, या तो इन शराब माफियाओं को जो है कायदे से ठीक करें, शराब के ग्राहकों को सम्मान दें, दिलवाएं, अवैध उगाही न होने दें, या फिर शराब बेचना बंद करा दें पूरा। जब इसके पहले जो मंत्री थे जयप्रताप सिंह, उन्होंने थोड़ा सा कोशिश किया था, लेकिन ये सिंडिकेट इतना मजबूत है कि अधिकारी करना, मंत्री ने आदेश दे दिया लेकिन जमीन के स्तर पे अधिकारियों को ही करना होता है। अब वहां से शिकायतें आते आते उन्होंने कई शिकायतें प्रमुख सचिव को दिया, वो जांच जो सरकारी प्रक्रिया है कि वो जांच में फंस के रह जाता है, और किसी बड़ा कोई बड़ा अधिकारी जांच में फंसता है ही नहीं है कभी, मतलब वो बच जाता है छोटे। मतलब हम लोगों ने जो अभी स्टिंग किया, जो जिस तरह से मेरे साथ भी 2 साल से हो रहा है, मैं खुद एक शराब का ग्राहक हूं और मेरे साथ लगातार एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, तो मैं अभी हमारे साथ एक और नोएडा से जुड़े हुए हैं दिवाकर जी, उनसे हम बात करेंगे, वो भी एक बिजनेसमैन है और तमाम लोगों को जानते हैं और इस पूरे प्रक्रिया पर नजर रखते हैं, कभी कभार वो भी खरीदते होंगे। लखनऊ से अभी शुक्ला जी हमारे साथ हैं, जो कि मीडिया मार्केटिंग के फील्ड में हैं और शराब के कारोबारी कई इनके अच्छे मित्र हैं और ये बहुत अच्छी नजर रखते हैं तमाम क्षेत्र के काम धाम पे। शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, अपना साउंड जो है अनम्यूट करिए। अब आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। तो आप बताइए क्या है, मतलब लखनऊ में आप बैठे हैं, लखनऊ में भी शराब के कारोबारी इसी तरह से जो है शराब के ग्राहकों का उत्पीड़न करते हैं, पैसे जबरन उगाहते हैं, अपमानजनक व्यवहार करते हैं, या वहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, वहाँ पे राम राज्य है? नहीं नहीं, राम राज तो भैया कहीं नहीं है जी। इसमें क्या है कि कई दुकानें बियर की हैं या शराब की हैं, जो 10-20-50 रुपए बढ़ा के लेते हैं, जो उनका सेल्समैन होता है जी। जैसे कि एक बार यहाँ पे दरोगा बाग लखनऊ में कानपुर हाईवे पे हमने बियर ली थी और उन्होंने करीब 20 रुपए महंगी दी। हमने जब फोन किया, क्योंकि नेटवर्क अच्छा था, लोग जानते थे, तो उन्होंने वो पैसा रिफंड करा दिया और एक झूठा आश्वासन दिया। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जैसे यहाँ पे FL2 है, FL2 से दुकान पे माल जाता है, FL2 का प्रॉफिट 1.25% के अराउंड होता है और शराब पर 12.5% तक का मार्जिन होता है बोतल पे। होता क्या है कि जब आप दुकान खोलते हैं, स्ट्रक्चर खोलते हैं, तो जो दुकानदार के नजरिए से आप देखिए, तो जब वो दुकान का लाइसेंस लेता है, पहले दिन से लेके दुकान मिलने तक लगातार उसको रिश्वत देनी ही देनी है, चाहे दुकान की चौधरी करानी हो, चाहे इंस्पेक्टर से वेरिफिकेशन कराना हो। ये रिश्वत आबकारी विभाग के अफसरों के पास जाता है, वो बिल्कुल जाना ही जाना, बिना उसको तो काम ही नहीं होना है। आप तो ये भूल जाइए कि अगर आप शराब का लाइसेंस लेने निकलिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना पैसा आपको देना ही देना है। फिर उसके बाद से होली दिवाली में इतनी भेंटे जाती है जितनी आप सोच नहीं सकते। फिर जो इनका एक रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर मेंटेनेंस, वो संभव ही नहीं है कि कोई दुकानदार कभी मेंटेन रखता हो, कभी भी आप चेक कर लीजिए, वो संभव ही नहीं है। उसको सेटिंग कराने के लिए विभाग में सारी चीजों में ऑलमोस्ट पैसा जाता ही जाता है। हम आपको एक यहाँ बता दें, इंस्पेक्टर हैं लखनऊ के, पूर्व रहे आबकारी के, मिश्रा जी हैं, आप उनका घर देखिए, आपको शायद लगेगा महल फेल है, इतना पैसा उन्होंने आबकारी में कमाया है। और ये बात हम मतलब ओपनली कह रहे हैं कि जो आबकारी के अधिकारी हैं, मैक्सिमम मॉडल साहब, बियर बार दुकान, इनका इनरोलमेंट इसमें है, 10-10, 12-12 लाख रुपए की रिश्वत ली जाती है दुकानों को दिलवाने में। उसके बाद जो लड़के रखे जाते हैं दुकानों पे, या जिनको मॉडल साहब में, जिनको आप कह सकते हैं कि कैंटीन लेते हैं, 8,000 रुपए 10,000 रुपए डेली पे रखे जाते हैं। अब आप भी समझिए, जो 10,000 रुपए डेली दे रहा हो, कस्टमर पी रहा हो, कहीं ना कहीं उनके मन में ये चीज आती है। अच्छा, दूसरी चीज, आदमी विरोध नहीं कर रहा है, अभी हम आपसे 20-25 रुपए किसी चीज पे ज्यादा ले और आप विरोध ना करो तो हमारी हिम्मत बढ़ती जाएगी।
लोगों ने शराब को दवाई के रूप में समझ लिया है, बिना इसके चलेंगे नहीं, विरोध करने कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। तो किसी भी दुकान पे आप देखिए, जी जी, दुकान पे देखिए तो कोई नंबर नहीं लिखा है, अगर कोई ज्यादा ले रहा हो तो आप शिकायत करिए। तो लक्ष्मी नारायण शुक्ला जी, आपने काफी आपने अंदर की बात बताई, आबकारी विभाग में क्या क्या चलता है और कैसे यहाँ के अफसर जो है सबसे ज्यादा घनघोर कमाई करके मोटे ताजे हो गए हैं, बंगले बना के रहते हैं और खरपति हैं लगभग। मेरे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं करनाल से। संजय सिंह जी खुद भी बिजनेसमैन हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, हालैंड हाल के ये भी छात्र मतलब हॉस्टलर रहे हैं, और हालैंड हाल वाले ढेर सारे जो है अफसर हैं और इसमें आबकारी विभाग में ही अफसर हैं। तो संजय भाई आपसे बात करेंगे अभी हम दिवाकर जी के यहाँ चलते हैं, जो कि नोएडा के एक एंटरप्रेन्योर हैं और इस पूरी प्रक्रिया को एक नोएडा का जो जेनुइन आदमी है जो यहाँ पे रेवेन्यू देता है, अपनी इंडस्ट्री चलाता है, आईटी सेक्टर को ऑपरेट करता है, वो कैसे जब शराब के ठेकों को देखता है, इस कारोबार की गड़बड़ियों को देखता है, तो वो क्या सोचता है? दिवाकर जी। जी अश्वन जी, मैं इसमें दो एंगल से बोलना चाहूंगा। पहला तो है कंज्यूमर का एंगल। तो ये कंज्यूमर का जो एंगल है इसको सॉल्व किया जा सकता है शायद, जैसे कि किसी भी कंज्यूमर को एक एक बिल देना या इनवॉइस देना जरूरी होता है, तो यहाँ पर ये क्यों नहीं हो सकता है? हम मांगे कि भाई हमारा बिल दीजिए और सरकार इसको आवश्यक कर दे कि ऑटोमेटेड मशीन लगाकर जैसे बिल निकलता है मॉल्स में शॉप्स पर वैसे आवश्यक हो जाए कि ये नहीं, आपको बिल दे दिया, आपको बिल दिया एमआरपी का, कहा कि हमको जो है बाकी 10 रुपया अलग से दो, वो फिर उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जी? नहीं, वो कर सकते हैं बट वो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो अलग से पैसा क्यों मांग रहे हैं। फिर आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, अभी तो शायद कंज्यूमर को पता ही नहीं रहता होगा कि ये, उसको रहता है कि मैं चलो अपना पौवा ले लेता हूँ और मैं चलूँ अपना। तो शराबी एक ऐसा प्राणी होता है जिसको जो शराब पीने से पहले किसी से पंगा लेना नहीं चाहता है, बाद में तो शायद ले लेता है, तो वो उसको ये पता रहता है कि चलिए अपना पौवा लें और यहाँ से जाएं, उसको 10-15 रुपए में फर्क नहीं पड़ता। बट एक कंज्यूमर की निगाह से अगर देखें तो वो गलत है। अब आप भारत से बाहर देखें तो कई देशों में आप कोई भी चीज लें, चाहे आप 2 रुपए की चीज लें, तो आपको बिल निकाल कर उस मशीन से वो दे देगा, आपको मांगना नहीं पड़ता। तो ये एक कल्चर की बात भी है कि एज ए कंज्यूमर हम लोग इस कल्चर को नहीं बना पाए हैं। सरकार ने जरूर वो सारी चीजें आवश्यक करी हुई हैं, कोई भी कंज्यूमर की चीज होती है, शराब हो चाहे किराना हो चाहे कोई भी हो आपको, या पेट्रोल हो कोई भी चीज हो, उसमें आपको बिल मिलता ही मिलता है। हम लोग उसको अपना अधिकार नहीं समझते हैं या फिर हम उसमें आनाकानी या लापरवाही करते हैं, तो वो दुकानदारों के लिए थोड़ा आसान हो जाता है। तो में आपका अनुभव क्या है नोएडा में, जो आबकारी की दुकानें हैं शराब की, वहां पे आपको ओवरऑल फीडबैक 5 अगर 5 स्टार रेटिंग हो, 5 अंक देना हो तो कितना देंगे? 1, 2, 3, 4, 5 में कितना देंगे आप? नहीं, मुझे मित्रों से फीडबैक मिलता है, जैसे आप भी, आपसे भी फीडबैक मिला, बाकी मित्रों से भी फीडबैक मिलता है, तो उसमें यही सुनने में आता है कि इन लोगों को इतना रिश्वत देनी होती है या इतने दबाव होते हैं कि वो अतिरिक्त पैसे लिए बिना बेच ही नहीं सकते हैं। तो यही मेरे भी सुनने में आया है कि बिना अतिरिक्त पैसे लिए वो नहीं बेच सकते हैं, और अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको इतनी खुज्जत और इतना ज़्यादा उनसे करना पड़ेगा कि आप कहेंगे कि यार 10 रुपया ले और जाने दे। तो ये 10 रुपए और 20 रुपए वाली बात है कि वो कमाते हैं, हम उसको उसका प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं। नोएडा में भी ये समस्या लग रहा है काफ़ी ज़्यादा है, नोएडा हो चाहे NCR का क्षेत्र हो, इसको कोई विरोध नहीं कर रहा है, इसलिए चलता चला जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। संजय जी, आप भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और तमाम आपके मित्र अफसर हैं, क्या आपको फ्री की दारू आती है घर पे या खरीद के पीते हैं आप? नहीं, यहाँ तो टोटल खरीद के ही आती है भैया, फ्री की तो कोई नहीं आती, बस ये है कि हम लोग पेटी ले आते हैं। अच्छा, बोतल कभी लाए नहीं, जब तक पिए तब तक, अब तो पीना ही छोड़ दिए घर। तो ये जो समस्या है, एक आम शराबी जो मान लीजिए एक गरीब घर का बंदा हो, उसे शराब खरीदनी है, लीगल तौर पर दुकानें खुली हुई हैं, उसके साथ जो उगाही की जाती है, जो व्यवहार किया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये गलत है, पूरी तरह से गलत है। आप ज्यादा क्यों लेंगे? अब जैसे यहाँ पे हरियाणा में यहाँ पे MRP नहीं आती बोतल के ऊपर, UP में तो बाकायदा MRP प्रिंट आता है, यहाँ पे MRP प्रिंट नहीं है, लेकिन यहाँ रेट लिस्ट लगा रखे हैं बाहर कि हाँ ये बोतल, जैसे उसमें कैटेगरी वाइज बना दिया कि ब्लेंडर्स की वो ब्लेंडर्स प्राइड और ये 4-5 ब्रांड इकट्ठा करके उनका रेट लिख दिया है। तो हमने आज तक कभी इस चीज को यहाँ नहीं फेस किया कि उस रेट से ऊपर कभी लिया हो उन्होंने,
उससे कुछ ना कुछ डिस्काउंट में ही मिलता है, उससे ऊपर नहीं मिलता कभी भी आज तक। लेकिन नोएडा में तो यहाँ तो बुरा हाल है, यहाँ तो मतलब मैं खुद चुकी मैंने जीवन में कभी नहीं किया। यूपी में अक्सर सुनने में आता है, आप भी बताए हमारे यहाँ गाँव पे, वजह गोरखपुर में जाता हूँ वहां भी देखता हूँ, वहां भी ले लेते हैं ऊपर करके कि साहब ये तो ऊपर का है, इसका तो ये तो देना पड़ता है हमें। जी जी जी, तो मेरा कहना यही था संजय भाई की बात से मैं सहमत हूँ कि भाई 15-20 रुपए के लिए आमतौर पे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब तबके का हो चाहे वो अमीर तबके का हो, वो बहस नहीं करना चाहता। लेकिन मेरा एक दूसरा अनुभव एक ये भी है कि मान लीजिए कभी आप 15 या 20 रुपए को लेकर, ओवर रेटिंग को लेकर अगर हल्का सा भी टोकने की भी कोशिश करते हैं तो वो लोग ऐसे धुतकारते हैं जो सेल्समैन होते हैं इन ठेकों के ऊपर, कि जैसे मतलब आपका तो कोई वजूद ही नहीं है और बिल्कुल ऐसे गुंडे ही पे उतर आते हैं वो लोग। तो वो बात संजय भाई की सही है कि भाई कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि ऐसी जगह पे जो है उल्टा और झगड़ा हो। कहना दिवाकर जी का कि भाई पौवा लेने के बाद तो चलो फिर भी कोई पंगा ले ले, बट उससे पहले आदमी जो है वो डरता है, तो ये बात सही है लेकिन ये मतलब गलत है, ये प्रथा बंद होनी चाहिए ओवर चार्जिंग की। तो संजय भाई आपकी बात कुछ, आपका ऑडियो कनेक्शन कुछ डिस्टर्ब था, तो हाँ बताएं आप कुछ कर रहे थे जो है। जी जी, मैं यही कह रहा था मतलब 15-20 रुपए जो ये लेते हैं ये टोटली गलत है। वैसे हम इग्नोर कर जाते हैं कि चलो 15-20 रुपए के लिए क्या बहस करना है, लेकिन अगर आप पूरा जोड़िए कि वो दिन भर जो 15-20 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के कितनी सेल है उनकी, वो कितना पैसा ऊपर बना रहे और कितना पैसा दो नंबर में हमसे ले रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। और ये ऐसा नहीं हो सकता है कि आबकारी विभाग की गैर जानकारी में हो रहा हो, पता सब कुछ है उनको, वो लोग इग्नोर करते हैं इस चीज को, जानबूझ करके करते हैं क्योंकि उनको भी मंथली जानी है। और जहां तक अनुभव हरियाणा का है तो यहाँ तो ऐसा अब तक मुझे देखने को नहीं मिला कहीं। अश्वन जी, जो रेट का चार्ट बाहर लगा हुआ है उस रेट से कुछ ना कुछ अगर कोई जानकारी निकल गई तो कुछ नीचे ही मिलता, अदरवाइज उतने पे ही मिलेगा, उससे ऊपर नहीं देते। ओवर रेटिंग, अब अंकित भाई भी गुड़गांव में रह रहा है, उनको भी अनुभव होगा इस चीज का कि वहां पे भी ओवर रेटिंग, वहां पे भी शायद कभी अंकित भाई ओवर रेटिंग आपको मिली हो। हाँ मुझे मिली है, मैं बताता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए आपके ठेके की बंद होने की सीमा है, मान लीजिए 9:30 का या 10 का टाइम है और आप 9:15 या 9:30 अगर पहुंचते हैं लेने के लिए, तो आपको 100% 30-50 रुपए ज्यादा देने ही पड़ेंगे, चाहे आप डेली के कस्टमर हो उनके। अंकित भाई, यहाँ हमने देखा 11 की टाइमिंग है, कई ठेके हम 12-1 भी रात को खुलवा करके पहले ले रखे हैं, पर कोई ओवर रेटिंग नहीं, उसी रेट में दिया उन्होंने। फिर आप सामान्य ग्राहक नहीं रहे, फिर आप वीआईपी ग्राहक हैं। जैसे इस देश के मीडिया वाले आबकारी विभाग के वीआईपी ग्राहक हैं, उनके यहाँ पेटी पहुंच जाती है। दिवाकर जी बताइए, आप जो है नोएडा में जो ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है महालूट का, आप एक आईटी कंपनी चलाते हैं, तो आपने एक सजेशन दिया कि हम लोग जो है एक कोई रसीद निकाल के प्रिंट करके देना चाहिए ग्राहकों को। फिर उसमें दो बड़ी कारण है, एक तो इतना क्राउड होता है पीक आवर्स में, और सेकंड जो लोग बता रहे हैं कि आबकारी विभाग के अफसरों को इतना चढ़ावा चाहिए कि जो दुकान लेता है वो मजबूर हो जाता है एक्स्ट्रा पैसे उगाने के लिए। दो पर्सपेक्टिव हैं, तो मुझे लगता है कि आबकारी अभियान, सफाई अभियान की शुरुआत तो आबकारी विभाग से होनी चाहिए ना। आबकारी विभाग के लोगों की जो संपत्ति है, उस संपत्ति के लिए आरटीआई दायर करें, उनके घर खानदानी कुंडली निकालें, किसने क्या संपत्ति बनाई है, किसकी कितनी कंपनियां हैं, किसका क्या निवेश है, इसको अगर मतलब जुझारू तरीके से निकाला जाए, नंगा किया जाए, किस अधिकारी ने कितने अब तक माल कमाए हैं अवैध तरीके से। तो मेरा मुझे लगता है कि एक तरीका ये भी है, हालांकि थोड़ा ये क्रांतिकारी तरीका है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए तो 5-6 लोगों को तो नंगा कर ही सकते हैं हम लोग। क्या कहना है आपका? जी, इसमें कर सकते हैं, पर इसमें ये होता है कि देखिए, जब एक आदमी शराब की दुकान पर पंगा लेना नहीं चाहता है तो इस तरह के अधिकारियों से पंगा क्या एक आम आदमी ले पाएगा? पत्रकार जरूर ले सकता है, क्योंकि पत्रकार का काम है इन चीजों को उजागर करना। तो अगर ये संभव है तो बिल्कुल किया जाना चाहिए, पर मुझे लगता है कि दोनों स्तर पे होना चाहिए, टॉप डाउन और बॉटम अप दोनों अप्रोच यहाँ पर चलना चाहिए, कि जब कोई शराब खरीदने भी जाता है तब भी वो उसको उस स्तर पर भी उसकी कोशिश होनी चाहिए कि रोका जाए उसको, वो उसका विरोध करे, उसका स्टिंग करे। आप अगर हमारा ये अभियान चल रहा है तो आप ये भी अपील कर सकते हैं अपने सारे जितने भी आपके जुड़े हुए लोग हैं
कि वो स्टिक करके भेजे और एक सेंट्रल हम एक स्टिंग ऑपरेशन चलाएं कम से कम नोएडा दिल्ली के क्षेत्र में जो ये गलत चीज हो रही है। तो दोनों अप्रोच मुझे लगता है साथ में होना। हम लोगों ने अपील की है, जो स्टिंग वाला वीडियो जारी किया है उसमें लास्ट में भड़ास का एक नंबर दिया है कि अगर कहीं भी मतलब एमआरपी ज्यादा जो है शराब बिक रही हो तो शराबी भाई से अनुरोध है कि चुपचाप वीडियो बनाए एक्स्ट्रा पैसे दे के और हम लोगों को भेज दे, शूट करे और जो है उसको भेजे। हम लोग चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए जहाँ पे शराब की जो माफिया गिरी है उसको खत्म कर सके हम लोग। बिल्कुल ये होना चाहिए कि एक वीडियो बना ले और साथ में उसका लाइसेंस नंबर जो लिखा था उसका वीडियो भी ले ले और वो लेकर अधिकारी को भेज दे या आपको भेज दे और आप अधिकारी को भेज दे। अधिकारी तो उससे पैसे उगा लेगा, फिर सवाल तो सारा खेल अधिकारियों के संरक्षण में ही चलता है। अनिल जी लखनऊ से आप बताइए, ये जो पूरा खेल है बिना अधिकारियों के संगठित संरक्षण में संभव है? ये कतई संभव नहीं है कि अधिकारियों के संरक्षण के बिना ये खेल एक कदम भी आगे चल पाए, और इसमें उनके संरक्षण में ही बोलता है। आप शिकायत भी करते हैं तो पत्रावली शिकायत सब ऊपर नीचे करते करते वो धूल फांकने लगती है टेबलों पे, कारण कि सबका हिस्सा बंधा हुआ होता है और कोई जो है उससे फट्टा पड़ना नहीं चाहता है, कोई अपने हिस्सा गंवाना नहीं चाहता है, इसलिए किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। और एक डर ये भी रहता है कि अगर एक के खिलाफ कार्रवाई हुई तो फिर चीजें बाहर आने लगेंगी, वो इस डर से भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ऊपर से लेके नीचे तक, मैं अब पता दोबारा कर रहा हूँ कि एक एक लाइन बदलवाने तक का ये सिंडिकेट जो है करोड़ों रुपया देता है अपने हिसाब से, जो शासनाधिकारी अधिकारी प्रमुख सचिव और जारी करते हैं उसके एक 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 लाइन चार लाइन चार शब्द बदलवाने के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ताकि उनके मोनोपोली के हिसाब से चीजें हो सके। और पिछले सरकार में तो मेरा मतलब इस सरकार के पिछले आबकारी मंत्री के उसमें तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि उनके पीएस को कुंटेन चड्ढा कंपनी के लोग 150-250 करोड़ का वसूली था उसको रुकवाने के लिए थोड़ा सा लाइन बदलवा के करोड़ों रुपया देने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि वो नहीं लिए, वो नहीं बदला गया और चड्ढा कंपनी को देना पड़ा जो था। लेकिन अब जब दूसरे राम नरेश अग्निहोत्री आ गए हैं तो फिर वो अधिकारियों का फिर से वर्चस्व शुरू हो चुका है और हो वही रहा है जो सिंडिकेट चाहता है, क्योंकि अधिकारियों को भी अपना हिस्सा मिल रहा है इसलिए वो कहीं बीच में गड़बड़ नहीं होने देना चाहते हैं। आप शिकायत करें कुछ करें, वो कहीं कोई सुनवाई नहीं होनी है, कोई काम नहीं होना है। शुक्ला जी के बाद मैं अंकित माथुर जी के पास आऊंगा, क्योंकि अंकित जी को भी निकलना है अभी एक जगह जूम मीटिंग में। ये जो अनिल जी बता रहे हैं कि मतलब आपने भी बताया कि आबकारी विभाग के जो अफसरों का हाल है उनके बिना संरक्षण उनके बिना प्रश्रय दिए जो है ये शराब के जो ग्राहक हैं जो शराबी भाई हैं जो शराब खोर है हमारे जैसे उनका उत्पीड़न संभव नहीं है। हमारा उत्पीड़न इसलिए हो रहा है कि शराब के जो ये असली माफिया है वो एक्साइज विभाग के लोग हैं। आपका क्या मानना है इस पे भैया? सबसे बड़ी चीज ये है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब दुकान ही इन अधिकारियों की है इसमें इनका शेयर है तो आप कुछ भी करिए, किस चीज को आप रोक पाएंगे? आपको बताएं एक शराब की दुकान से गिलास भी बिकते हैं, पानी भी बिकता है, नमकीन भी बेचते हैं, ऐसा मतलब उन्होंने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है जो अपनी कमाई का ना हो। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि एक जो नियमावली है उस नियमावली की धज्जियां सबसे ज्यादा आप उड़ते यही देखेंगे। नकली शराब भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर, मिक्सर भी मिल जाएगी। ये रोहित पाठक जी, राजेंद्र कुमार गुप्ता जी, दो लोग ब्लैंक ब्लैंक दिख रहे हैं, केवल नाम दिख रहा है। आप लोग चुपचाप सुन रहे हैं या मतलब क्या है? नहीं सुन रहे हैं, असल में हम कपड़े नहीं पहने हैं ना। अरे भैया ये सीरियस बहस हो रही है, आप कपड़ा पहन के आइए, ये मतलब बहस रिकॉर्ड हो रही है भाई, आप गलत घुस गए हैं। आप कपड़ा प्रणाम पहुंचे, आप दिन में ही लगा के शराब की पे बहस में दिन में ही लगा के आ गए हैं क्या नंगा होके? हम तो लगा के आए हैं दादा। मैं एक छोटी चीज आपको और बता दूं जी, बहुत कभी आप गौर करिए कि आउटर एरिया में जहाँ पे लाइट कम रहती है या जहाँ पे बिजली नहीं है, दुकानें हैं जहाँ पे बियर है, तो जनरली वो लोग कई बार क्या करते हैं बर्फ में या किसी और चीज में रख के बेचते हैं, तो वो ये तर्क देते हैं कि भाई ठंडा करने के लिए लाइट नहीं है तो हमको ये चीज देनी पड़ रही है, 10-20 रुपए बढ़ा के देना है। अच्छा होता क्या है कि जब भी कोई पीने के लिए निकलता है चाहे बियर के लिए, तो ठंडी ही प्रेफर करता है, गर्म जल्दी कोई पी नहीं सकता, तो उसको भी लगता है कि अच्छा। दूसरी चीज उसको लगता है कोई आसपास का देख ना ले थोड़ा सा, वो उसको भी इनवाइट करता है, तो वो इसलिए बहुत ज्यादा पैसे को तवज्जो नहीं देता है।
चलिए, हमारा मूल मुद्दा भ्रष्टाचार है कि शराबी भाई तवज्जो नहीं देता, बहस नहीं करता, नहीं लड़ता, चुपचाप दे देता है, ये मुद्दा नहीं है। आपने ऐसा माहौल बना दिया है कि वो बेचारा दे देता है। हम बात कर रहे हैं माफियाओं की। माफिया असली अफसर है या शराब के दुकानदार है? माफिया कौन है असली? माफिया सारे आपके अफसर है, उनकी हिम्मत तो अफसर ही पे रहे। पुलिस की पुलिस है, अफसर और कौन है? हाँ अनिल जी, पैसों की हिम्मत पैसे की। हाँ मैं एक जानकारी दे दूं कि जो दुकानें हैं इसमें तमाम अधिकारियों की भी दुकानें होती हैं जो दूसरे के नाम पे अलर्ट करा के चलाते हैं दूसरे के नाम से जी। और अगर इसकी जांच हो जाए तो तमाम ऐसे आबकारी अधिकारी IAS IPS और वो मिलेंगे जिनके रिश्तेदार फिजदार या किसी और के नाम से इनका शेयर होल्डर के तौर पे दुकानें चल रही हैं। एक आदमी की दर्जनों दुकानें मिल जाएंगी अगर इसकी मतलब निष्पक्षता से जांच करा दी जाए। अंकित भाई, आप एक शराब के जो पीने वाले लोग हैं, जो शराब के ग्राहक हैं, उनके हित के लिए आज तक कुछ किया नहीं गया है। जिस कदर उनका उत्पीड़न शोषण हो रहा है, जिस कदर जो है ये दो मतलब टुच्चे लोग जो अफसर हैं वो लगातार पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, और पैसे पता नहीं वो बांध के भगवान के पास ले जाएंगे या लास्ट में जब कैंसर होगा तो अमेरिका इलाज कराने ले जाएंगे, मुझे पता नहीं चलता है जी। लेकिन हम कैसे आम शराब के ग्राहकों के हितों की रक्षा कर पाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? आप चूंकि एक शराब को लेके आपका एक पक्ष है, एक शराब के ग्राहक के बतौर, उपभोक्ता के बतौर, तो एक समझदार शराब उपभोक्ता के बतौर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए यशवंत भाई, ये जो समस्या है ये इसका जो है ना निदान जो है इतनी आसानी से हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक कैंसर की तरह से जो है पूरे देश में बहुत अच्छे से अपनी जड़ें जमा चुका है। इसमें तो ऐसा है कि अगर व्यवस्था के स्तर पे कोई आमूलचूल परिवर्तन यदि कोई प्रपोज किया जाता है एट अ पॉलिसी लेवल, जिसमें कि राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग यू नो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स भी होंगे, उसमें रिटेलर्स भी होंगे, ये जो दिवाकर जी ने जो बात बोली थी, इसमें जो है पूरा पॉलिसी लेवल पे अगर कोई बिल्कुल टॉप लेवल से जो है कोई अप्रोच चेंज होती है। रोहित पाठक जी, अंकित जी की आवाज साफ नहीं आ रही है। रोहित जी आप बताइए, आप भी जो है गौर सिटी वाली जो दुकान है जिसपे आप भी साथ जाते रहे हैं मेरे, और आपको आपका मतलब रात में 200 रुपये तक ज्यादा लिया गया है, आप बताए अपने अनुभव के बारे में थोड़ा। मैंने नहीं बोला, आप वीडियो में मैंने बताया ना कि अब तक मैंने जितना अधिक पैसा दे चुका हूँ वहाँ पे 6 महीने में, कई पेटी उतने में, हाँ उतने में मैं लगभग 50 पेटी ब्लेंडर्स उठा लिया रहता, जो एक्स्ट्रा सब जो दिए हैं आप जो है, हाँ जितने एक्स्ट्रा दिए मैंने 6 महीने में, क्या हो गया? तो आपको क्या लगता है कि शराब के जो ग्राहक है उनके हितों के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? जरूरी था ऐसा, हर जगह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जैसे ये हम लोग आपने करवाया सील, एक दंड स्वरूप ये हर जगह होना चाहिए। जी जी जी। हाँ संजय भाई, आप कहाँ टहल रहे हैं? अरे यशवंत भाई, यहाँ ना वो पंखे में ये कपड़ा फंस गया, पंखे की मोटर में। तो ठीक है, आप बनवा लीजिए फिर दोबारा जुड़िए। ठीक है ओके ओके ओके। टीवी की डिबेट से ये अच्छा डिबेट है जहाँ पे लोग घर का काम धाम भी करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि कपड़ा फंस गया है मोटर में, ये बहुत अच्छी चीज है। ये नहीं कि आप स्टूडियो में आके बंद कर दिए गए और हो रहा है एक लपड़ मार दो इसको जो है, अब वही बहस हो जाए। मतलब लोग घर का काम धाम भी करते रहे, जैसे हमारे एक रजत गुप्ता जी है वो दारू पिए हुए थे, कर हम नंगे हैं इसलिए हम लाइव नहीं दिख रहे हैं, खाली सुन रहे हैं आवाज आप लोग। ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोगों का एक सहज प्लेटफॉर्म है, शराब पे बहस हो रही है तो थोड़ा एक शराबी हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग अब एक आखिरी बातचीत करें, एक आखिरी जो है पर्सपेक्टिव पॉइंट लें आप लोगों का जो है कि एक छिपकली निकल गई जो है बगल से मेरे, आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है शराब की बहस के बाद। एक आखिरी जो है बातचीत हो जाए कि शुक्ला जी बताइए। भैया हमारा मानना ये है कि जो FL2s होते हैं, जो गोदाम होते हैं शराब के, इसमें सबसे ज्यादा राजनीतिक दलों का और बड़े कारोबारियों का पैसा लगा हुआ है। सबसे पहले तुमको लगता है कि एक शिकायत इनके खिलाफ करनी चाहिए पोर्टल पे या इनकम टैक्स में कि ये लोग पैसा लाए कहाँ से, कौन वो सारा बेनामी पैसा है जो शराब से नंबर एक हो रहा है। नंबर दो पे जो दुकानें अलाट हुई है इसमें किनके किनके शेयर है, जो छुपे हुए खिलाड़ी है जो ओपन खिलाड़ी है, इसमें आपको बड़ी बड़ी मछलियां अधिकारी साफ साफ नजर आ जाएंगे जिनका पैसा लगा हुआ है।
बिना उनका तो ये संभव ही नहीं है। दिवाकर जी आप बताइए कुछ इस पूरे मामले पे आपका कोई अलग कोई एक नई चीज जो आप कहने पाए हो बताना चाहते हो? नहीं, कमोबेश कह दिया मैंने जो भी कहना था, बट इसमें मुझे लगता है कि अधिकारियों की जानकारी जुटाने के लिए शायद हमें बहुत बड़े स्किल लेवल पर काम करना होगा। एक टीम बनानी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी जो स्टिंग भी करे, जो जाके उनके जो होम टाउन है वहां से पूरे डिटेल ले और इनका पूरा इनकम टैक्स रिटर्न निकाले। कई लेवल पे काम करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि पूरा एक बड़ा टास्क होगा ये। जी हाँ, और उसके साथ में जो सरकार के स्तर पर इन लोगों को जानकारी देनी होती है, वो उन्होंने जो दी है वो क्या है, उसमें उनकी एक्चुअल इनकम से या प्रॉपर्टी से क्या मिसमैच है, तो ये एक स्टडी की जा सकती है। बट हाँ, इसके लिए एक टीम लगेगी और एक कैपेबल लोगों की हमें टीम बनानी पड़ेगी शायद। तो शराबियों का खून पी के, शराबी तो शराब पीता है बड़ी मुश्किल से, अपने पैसे दे के, अपनी इज्जत गंवा के, उगाही का शिकार होके, लेकिन शराबियों का खून पीते हैं ये अफसर, तो ये खून पी के कितने मोटे हो गए हैं और इनका खून कहाँ कहाँ जो है स्टोर किया गया है, इसका हिसाब निकालना चाहिए जो है। अनिल जी बताइए इस मामले पे क्या हम लोग नया कर सकते हैं, जो भी इस तरह के समझदार शराबी हैं जो थोड़े पढ़े लिखे हैं वो अपने लेवल पे क्या ऐसी शुरुआत करें कि थोड़ा असर हो। जैसे आपने स्टिंग किया, उस तरह के छोटे छोटे जिलों में, मतलब सारे जिलों में एक दो लोग, तीन लोग, चार लोग स्टिंग करें तो ये शुरुआती दौर होगा ये, क्योंकि जो प्रॉपर्टी जुटाने वाला है वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। और अच्छा। तो शुरुआती तौर पे हम लोग जो शराब का उपभोक्ता है वो छोटा छोटा थोड़ा हिम्मत करके जो ज्यादा पैसा लिया जा रहा है उसका स्टिंग करे, उसको सामने लाए, तो ये शुरुआती हो जाएगा तो थोड़ा सा दबाव बनेगा। और उसके बाद लॉन्ग प्रोसेस में हम इन अधिकारियों का इसमें जुड़ा सिंडिकेट में जो IAS अधिकारी, मैं तो एक IAS अधिकारी को जानता हूँ जो मतलब विभाग में नहीं रहा है लेकिन प्रमुख सचिव कई विभागों का रहा है, वो 2009 में 12 लाख रुपए की जमीन खरीदा था और उसका जमीन मात्र 3 साल में 3,25,00,000 रुपए का वही जमीन हो गया। मतलब कागजों में खेल, वो भी अपने ITR में दाखिल किया है कि 3 साल में इतना पैसा फर्क कहीं नहीं, 25 गुना हो जाएगा, ये 25 गुना हो गया। और उसी टर्म उसी समय में 50 लाख का घर का जमीन 50 लाख ही रह गया लेकिन 15 लाख का जमीन 3,25,00,000 का हो गया। तो ये सब खेल करते रहते हैं लेकिन अगर इसको माइन्यूटली थोड़ा जांच किया जाए, पड़ताल किया जाए तो बहुत चीजें बाहर आएंगी। लेकिन बाहर आने के बाद भी सबसे बड़ी समस्या होती कार्रवाई की। पिछली सरकारों में भी हम लोगों ने कई लोगों का इस तरह का खेल बाहर किया था लेकिन कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि बड़े लोगों से कोई पंगा नहीं लेना चाहता और IAS ही पूरे सिस्टम को चलाते हैं। और जब ये पूरे सिस्टम को चलाते हैं तो एक दो छोटे लोगों को नाप के बाद खत्म कर देते हैं, वो ठंडे बस्ते में चला जाता है, कोई बड़ी कार्रवाई इस तरह की नहीं हो पाती है कि डर बने। अभी कम से कम योगी सरकार में कुछ IAS PCS भी 90 हैं, जबरदस्ती रिटायर किए गए हैं लेकिन अब धीरे 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 अधिकारी फिर हावी हो रहे हैं और लग रहा है कि फिर वो पुराना प्रोसेस जो सपा बसपा के शासन काल में चल रहा था उस पैटर्न पे ये सरकार आती जा रही है, नौकरशाहों पे डिपेंड होते जा रही है सरकार, ये फीडबैक तो आ रहा है लगातार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो है। और हम लोग मोटा मोटी एक समझ में आया कि शराब की दुकानों पे जो शराब के ग्राहक हैं वो मोबाइल कैमरा, हिडन कैमरा ऑन करके जाएं और सारी बातचीत रिकॉर्ड करें और हम लोगों को भेजें। हम लोग अपना नंबर जो है इस पे दे रहे हैं और उसको नोट कर लें, उस पे व्हाट्सएप पे जो है वीडियो बना के भेजें। हम लोग इस सेंसिटिव मुद्दे पे जिसपे कोई मीडिया हाउस बहस नहीं करता बात जारी रखेंगे और एक्साइज विभाग के जो भ्रष्ट अफसर हैं उनकी कुंडली खोलने का काम हम लोग करते रहेंगे। अगले डिबेट में हम लोग एक्साइज डिपार्टमेंट के पूरे जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन लोग हैं, क्या क्या लोग हैं, कब से हैं और वहां की क्या राम कहानियां हैं, ये सब हम लोग लेके आएंगे, फिर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।